नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उस समय हाहाकार मच गया जब यहां तेज रफ्तार स्कूली बस के पलटने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल यह सभी बच्चे विकासगढ़ सूरतगंज के कंपोजिट विद्यालय हरका के हैं और जिनको विभाग की ओर से शैक्षिक भ्रमण पर लखनऊ के चिड़ियाघर समेत दूसरी जगह पर घुमाने ले जाया गया था। शाम को जब वह बस लखनऊ से वापस सूरतगंज आ रही थी तभी बाराबंकी जिले के देवा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सलारपुर गांव के पास अचानक सामने आ गए एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस का चालक अपना संतुलन खो बैठा, जिसके चलते तेज रफ्तार बस सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई जबकि करीब 3 दर्जन बच्चे घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और अनुफरन में जिले के अधिकारी कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया गया। सभी घायल बच्चों को एम्बुलेंस की मदद जिला अस्पताल पहुँचवाया गया, वहाँ उनका इलाज जारी है। वही इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के साथ घायल बच्चों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में आज सियासी पारा तेजी से चढ़ गया। आज लोकसभा चुनाव के इस समर में बड़ी हलचल देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली कर उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के लिए सभी 22,648 बूथों पर नमो ऐप के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कुछ बूथ अध्यक्षों से बात भी की। तीसरे चरण में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, रेटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी लोकसभा सीटों के 22,648 बूथों पर प्रधानमंत्री नमो ऐप के माध्यम से दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं से जुड़े। वहीं प्रदेश, क्षेत्र और जिले के पदाधिकारी भी अपने बूथों पर जाकर इस नमो ऐप में जुड़े और बता दें कि तीसरे चरण के उपरोक्त 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है, जिसके चलते पीएम मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से एक साथ 10 लोकसभा सीटें सांपने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में रामा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उनके निशाने पर सपा, बसपा और कांग्रेस रही। परिवारवाद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पीलीभीत पहुंचे तो शहर के रामा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच पर जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। व्यापारियों ने सीएम योगी को बांसुरी भेंट की, समर्थकों ने फूलमाला पहनाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीलीभीत इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ से सोना उगाने वाले अन्नदाता हैं तो बांसुरी की मधुर धुन से कन्हैया का स्मरण कराने वाले हास्यशिल्पी हैं। उन्होंने यहाँ कहा कि पीलीभीत में एक तरफ टाइगर की दहाड़ है, दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर तान है। इस मौके पर विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपने 2014 के पहले और आज के भारत को देखा है। 2014 से पहले अविश्वास था, अराजकता थी, किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था, कहीं उग्रवाद था तो कहीं नक्सलवाद था। आपस में जाति वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। यह 2014 पहले की भारत और यूपी की स्थिति थी। आज 2024 में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। बहनों भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। 2014 के पहले का वह भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक भारत था जहां पर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था, देश के अंदर कहीं उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था,
आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या है, यहां दंगा होता था, कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में, कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहन की। यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले की भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन कहां से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। अब की बार 400 पार और मिशन 80 का लक्ष्य लेकर लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए खास प्लान बनाया है। बीजेपी प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने और मिशन 80 सिद्ध करने के लिए प्रदेश में 1,00,000 से अधिक नुक्कड़ सभाएं करेगी। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। इतना ही नहीं, इसके लिए पार्टी की तरफ से 15,000 नेताओं की फौज भी उतारी गई है। साथ ही सोशल मीडिया वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल रहेंगे। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कैराना से नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत भी कर दी है। बीजेपी के नुक्कड़ सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की नुक्कड़ सभाओं में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। नुक्कड़ सभाओं में से लाभार्थी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता गांव-गांव जाएंगे। नुक्कड़ सभाओं में नेताओं को क्या बोलना है और क्या नहीं, सभी की प्लानिंग कर ली गई है। नेताओं को सभी मुद्दे बता दिए गए हैं जिन पर इन सभाओं में बोलना है। बीजेपी के नेताओं की फौज छोटे छोटे समूह में लोगों से बात करेगी। इसके जरिए पार्टी छोटे छोटे समूहों को साधना चाहती है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। आक्रामक चुनाव प्रचार के जरिए बीजेपी विपक्ष को मात देने में जुटी हुई है। इसके लिए सांसद, विधायक, मेयर, नगरपालिका चेयरमैन से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा का तूफान चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। इंडिया गठबंधन बेंगलुरु में बना और मुंबई आते आते उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा कि जनता 4 जून को भाजपा को 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। मेरठ में भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के नामांकन पत्र दाखिल कराने के बाद उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और श्री राम के किरदार पर उठ रहे सवाल के जवाब में कहा कि राम का सहारा पूरे भारत को है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल रामायण में राम का किरदार निभा चुके हैं और वह जनता से हाथ जोड़कर अभिवादन ही नहीं करते हैं बल्कि श्रद्धा से प्रणाम करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मेरठ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।